हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक पार्सल है। तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो ये पार्सल मुझे आया है प्रेम राठौर भाई की तरफ से। और इसे खोलने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है फॉर अ चेंज। इसके अंदर है RCMCG राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की कुछ कॉमिक्स। तो काफ़ी दिनों से चर्चा है कि ये जो कॉमिक्स आ रही हैं इनकी तरफ से, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कॉमिक्स मैं भी परचेज़ करूँ और मैं खुद भी चेक करूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये कॉमिक्स आखिर सचमुच इतनी बढ़िया क्वालिटी की है या नहीं। चलिए ऊपर वाला लेयर निकालते हैं। सबसे पहले अंदर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी दिख रहा है। वैसे कहना पड़ेगा पैकिंग जबरदस्त लग रही है। पैकिंग अच्छी है तो अंदर कॉमिक्स भी अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। ये निकला है लास्ट लेयर। चलिए देखते हैं। ये एक्चुअली कलेक्टर्स एडिशन है जो मैंने मंगवाई थी, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और बुगाकू। तो ये है कॉमिक्स। पैकेजिंग में थर्मोकॉल था दोस्तों, तो थोड़ा सा मैसी हो गया था। तो चलिए कॉमिक्स देख लेते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि इसके कॉर्नर्स बेंट हो गए हैं इस साइड से। यहाँ पे ये थोड़ा सा फटना भी शुरू हो गया और इधर तो ठीक है, हालांकि इधर फिर थोड़ा डैमेज है और इधर ठीक है। ये हो गया नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और ये नागराज बुगाकू का भी यहाँ कॉर्नर बेंट है, बाकी तो ठीक नज़र आ रहा है। ओके, तो बारी बारी से देखते हैं। चलिए, अच्छा एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर आप इधर से देखते हैं तो इसकी स्पाइन टेढ़ी हो गई है, अगर आप देख सकते हैं तो, जिसके कारण यहाँ से पीछे वाला जो कवर है वो थोड़ा आगे आ गया और आगे वाला कवर पीछे चला गया। तो ऐसा फील हो रहा है कि पीछे वाले कवर की जो लेंथ है या जो विथ है वो सामने वाले कवर से ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये स्पाइन इधर से टेढ़ा हो गया है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो पता नहीं फिर कलेक्टर्स एडिशन का फ़ायदा क्या हुआ अगर इतनी डैमेज किताब ही आनी है। अब मुझे नहीं पता ये गलती किन की तरफ से हुई है, ये सेलर की मिस्टेक है या ये पब्लिशर की तरफ से उन्हें ऐसा ही आया था, लेकिन किताब तो डैमेज है। ठीक है, चलिए अंदर देखते हैं। इसे साइड कर देता हूँ। तो ये हो गया एंड पेपर, जिसमें कि ये स्केच की तरह ड्राइंग्स हैं। अच्छा, यहाँ भी है एंड पेपर, इनफैक्ट ज़्यादा हैं, नॉर्मली इतने होते नहीं है कलेक्टर्स एडिशन में। और यहाँ से है फिर नॉर्मल स्टोरी। तो दो चीज़ें तो दोस्तों सिग्निफिकेंट हैं, मतलब बहुत नोटिसेबल हैं। पहली चीज़ ये कि ये कलेक्टर्स एडिशन होते हुए भी ये कॉमिक पूरी तरह से खुल जाती है, तो इसकी बाइंडिंग जो ले फ्लैट बाइंडिंग कहते हैं मनीष जी, वो सचमुच में वैसा ही है। ये कॉमिक पूरी तरह से खुलती है तो पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली RC के साथ ऐसा नहीं होता है, उनकी ट्रेड पेपरबैक हो या फिर कलेक्टर्स एडिशन हो, दोनों में ही कॉमिक्स खुलने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये अंदर एक बुकमार्क भी है। ओके नाइस, नागराज और उसके फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो वो पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मेटालिक एडिशन कहते हैं, ये सचमुच में पेजेस में एक मेटालिक फील है। मैं आपको एक क्लोज़अप व्यू देता हूँ, लाइट के कारण आई एम नॉट श्योर आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट पेजेस में एक मेटालिक सी फील है। साइज़ तो इनकी नॉर्मल जो राज कॉमिक्स की साइज़ है उससे बड़ी है, मतलब आज के डेट में तो राज कॉमिक्स की साइज़ भी बड़ी हो चुकी है, बट पहले जिस तरह की राज कॉमिक्स आती थी उनकी जो साइज़ होती थी उससे तो बड़ी है। अच्छा, पीछे के जो पेजेस हैं जो ब्लैक एंड वाइट में थे, शायद ओरिजिनल जो
प्रिंट थी उसमें, उन्हें कलर कर दिया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इसका थोड़ा स्काई ब्लू का है, स्काई ब्लू कलर का है, और उस पर ये एक मेटालिक सी लुक आ रही है लाइट पड़ने पर, ये शाइन आ रहा है। तो ये जो क्लेम करते हैं मेटालिक प्रिंट, ये सचमुच में वैसी फील देती है। फिर एंड पेपर पे आर्ट वर्क है, ग्रे बैकग्राउंड है और उस पर वाइट से स्केच है। ये बेसिकली अंदर के पैनल्स हैं जिनको फिर से यहाँ पे बनाया गया एंड पेपर के लिए। ओके, तो ये थी पहली कॉमिक। पुराने राज कॉमिक से अगर इसकी साइज़ की कंपैरिजन करें तो अब देख सकते हैं ये लंबी भी है और चौड़ाई में भी ज़्यादा है। ये है नागराज और बुगाकू, मैंने दोनों ही 2-in-1 एडिशंस ले लिए। इस सेट में वैसे 8 कॉमिक्स आई थी, लेकिन मेरे पास बाकी जो कॉमिक्स हैं, इनफैक्ट ये कॉमिक्स भी जो हैं इनके मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, बट मैंने स्टिल सोचा कि 2-in-1 वाली ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी वो मेटालिक फील आती है अगर आप इन पेजेस को ध्यान से देखते हैं, और इसलिए ये पेजेस टोटली वाइट नहीं है, ये थोड़े से ग्रे कलर में है, स्टील की कलर की एक एक फीलिंग है इनमें। इसमें भी बुक मार्क है नागराज। ओके, ये बड़े साइज में अच्छी लग रही है कॉमिक्स। और फिर एंड में इसमें ऐड पेजेस कम है, इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें ज़्यादा थे। और फिर ये स्केचेस एंड पेपर पर। सो ऑल इन ऑल राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जो क्लेम करती है मेटालिक प्रिंट एडिशन और ले फ्लैट बाइंडिंग वगैरह, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बुक्स मेरे पास थोड़ी सी डैमेज आई हैं। नागराज और बुगाकू ठीक है फिर भी, लेकिन नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव डैमेज है। अब पता नहीं किसकी गलती है, बट फिर कलेक्टर्स एडिशन का मज़ा ख़त्म हो जाता है अगर किताब डैमेज आए तो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता की, जो नई सेट आई है उस सेट की 2 कॉमिक्स की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।